स्वर्ण काका का प्रथम भाग हमने पहले वीडियो में पढ़ा, अब हम लोग स्वर्ण काका का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने देखा कि स्वर्ण काका के द्वारा उस गरीब बालिके के चावल को खाया गया और उस बालिके को स्वर्ण काका ने अपने महल में प्रातःकाल को बुलाया। अब देखें, चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। जब वह बालिके स्वर्ण काका के महल जाती है तब वहाँ चीरकालम अर्थात लंबे समय तक भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि अनोखी वस्तुओं से सजितानि सजे हुए महल को दृष्ट्वा देखकर सा वह बालिका विस्मयं गता, वह बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। चीरकाल का यहाँ पे हम विलोम शब्द देखेंगे, अल्पकालम। विस्मयं गता का यहाँ संधि विच्छेद है, विस्मयं में अनुस्वार होता है, व्यंजन संधि होगा तो विस्मयं म हलंत हो जाएगा, विस्मयं जोड़ गता। श्रांतां ताम विलोक्य काका प्राह, शांताम ताम अर्थात शांताम का अर्थ होता है थकी हुई, ताम उस बालिके को थकी हुई, विलोक्याकह विलोक्य कौवे के द्वारा जब उस बालिके को देखा गया कि वह थकी हुई है। काकह प्राह, प्राह मतलब होता है बोलना, कौवे बोला। पूर्वम लघु प्रात राशः क्रियेताम, सबसे पहले, पूर्वम सबसे पहले लघु प्रात राशा, लघु प्रात राशा का अर्थ होता है नाश्ता या फिर जलपान कह सकते हैं, सबसे पहले तुम जलपान क्रियताम करो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम युत ताम्र स्थाल्याम। अब वह काका बोला कि त्वं वद, तुम बोलो, वद लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तुम बोलो स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्याम युत या फिर चांदी की थाली में भोजन करोगी, या फिर ताम्र स्थाल्याम या तांबे की भोजन में तुम तांबे की थाली में भोजन को ग्रहण करोगी। यहाँ देखें, प्राह, प्राह मतलब होता है बोला और इसका पर्यायवाची शब्द होता है उवाच। बालिका व्याजहार, बालिका बोली, व्याजहार का अर्थ होता है बोली, व्याजहार का समानार्थक शब्द होता है अकथ्यत। बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धनाम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका व्यजहार था, बालिका बोली कि ताम्र स्थाल्याम एव अहम, ताम अर्थात तांबे की थाली में ही, अहम निर्धना मैं गरीब हूँ इसीलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही भोजन को करूंगी। यहाँ विग्रह देखे, ताम्र स्थाल्याम जोड़ ताम्र स्थाल्याम जोड़ एव, व्यजहार का समानार्थक शब्द अकथ्यत होता है। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, तदा तब सा वह बालिके कन्या, वह बालिके च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित, संजाता मतलब हुई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम, स्वर्ण काका के द्वारा सोने की थाली में ही भोजनम पर्यवेशितम, पर्यवेशितम का अर्थ होता है परोसा गया, सोने की थाली में ही भोजन को परोसा गया। न एतादृक स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, न एतादृक अर्थात ऐसा इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजनम भोजन अद्य अवधि आज तक बालिका खादितवती, बालिका खाई या बालिका के द्वारा आज तक ऐसा
ऐसी स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया गया। यहाँ न एतादृक का समान संधि विच्छेद है, न जोड़ एतादृक, अध्य अवधि का है, अध्य जोड़ अवधि, और यहाँ खादितवती खाया गया, इसमें प्रत्यय है खाद जोड़ अक्तवतु प्रत्यय। काको ब्रूते, काको अर्थात कौआ, ब्रूते मतलब बोला, बालिके हे बालिके, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा, मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदा मतलब हमेशा, च अत्रैव तिष्ठ, तुम यही तिष्ठ मतलब रहो, परम परंतु तौ तुम्हारे माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु माता वर्तते तुम्हारी माता, वर्तते मतलब है होता है, च एकाकिनी तुम्हारी माता अकेली है, इस कारण से तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, इस कारण से तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। यहाँ हम देखें संधि विच्छेद, यत जोड़ त्वम, यत जोड़ त्वम, यत त्वम, च अत्रैव का संधि विच्छेद, च जोड़ अत्र जोड़ एव, च एकाकिनी का संधि विच्छेद, च जोड़ एकाकिनी, युक्तवा काका कक्षा अभ्यंतरात तिश्रो मंजुषा ने सार्य ताम प्रत्यवदत बालिके, इत युक्तवा अर्थात ऐसा कहकर काका कौआ कक्षा अभ्यंतरात तिश्रो, कक्षा के भीतर से, तिश्रो मंजुषा, मंजुषा मतलब होता है पेटी या फिर बक्सा बोल सकते हैं, और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इस कारण से इसमें तिश्र शब्द लगा है, तीन पेटी को निसार्य निकाल कर ताम प्रत्यावदत उस बालिके के प्रति बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, यथेच्छम अर्थात तुम्हारी जो इच्छा है, मंजुषाम एकाम एक मंजुषा एक बक्से को गृहाण ग्रहण करो ले लो, लघु तमाम मंजुषाम प्रगृहे बालिकया कथितम यत एव मदिये तनुलानाम मूल्यम, लघु तमाम, लघु मतलब छोटा, छोटे मंजुषाम अर्थात छोटे बक्से को प्रगृहे लेकर बालिकया उस बालिके के द्वारा कथितम यत एव कहा गया कि यत एव यह ही, यत मतलब यह, एव मतलब ही, मदिये मतलब मेरे, तनुलानाम अर्थात चावल के मूल्यम, चावल का मूल्य जो है मेरा यही है। जब उसने काका ने तीनों बक्से को निकाला तो उसमें से सबसे छोटे बक्से को उस बालिका ने लिया और उसने कहा कि मेरे चावल के दानों का मूल्य जो है यही है। अब यहाँ देखिए इत युक्तवा का संधि विच्छेद, इति जोड़ उक्तवा, कक्षा अभ्यंतरात जोड़, कक्षा जोड़ अभ्यंतरात जोड़ तिश्र, प्रत्य अवदत का प्रति जोड़ अवदत संधि विच्छेद है, यथेच्छम का यथा जोड़ इच्छम संधि विच्छेद है, कथितम यत देव का संधि विच्छेद, कथितम जोड़ इयत जोड़ एव है, अभ्यंतरात का विप्रय शब्द बही होता है, अभ्यंतरात का अर्थ होता है भीतर और बही का अर्थ होता है बाहर, लघुतमा, लघुतमा का अर्थ होता है छोटा और इसका विप्रय शब्द होता है बृहत्तमा, लघुतमा में प्रत्यय है, लघु जोड़ तमप प्रत्यय है, प्रगृह में प्रत्यय है, प्र जोड़ ग्रह जोड़ लय प्रत्यय है, यथेच्छम का पर्यायवाची शब्द, यथेच्छम का पर्यायवाची शब्द जो होता है इच्छा अनुसारम है, गृहम आगत्य तया मंजुषा सम उद्घाटित तस्याम महारहाणी हीरकाणि विलोक्य स प्रहर्षित तद्दिना धनिक च संजाता, गृहम आगत्य जब वह बालिके अपने घर आई, तया उस बालिके के द्वारा मंजुषा बक्से सम उद्घाटिता खोला गया, तस्याम उसमें महारहाणि हीरकाणि अर्थात महारहाणि अर्थात बहुमूल्य हीरकाणि मतलब हीरे
विलोक्य देखकर सा उस बालिके के द्वारा प्रहर्षिता, जब वह अमूल्य हीरे को देखी तब वह बहुत ही खुश हुई। तद दिनात धनिका च संजाता, तद दिनात उस दिनात उस दिन से, धनिका च संजाता धनिक अर्थात उस दिन से वह गरीब बालिका जो है वो अमीर संजाता हो गई। क्रियम आगत्य में आगत्य का प्रत्यय है आ जोड़ गम जोड़ लय प्रत्यय है। आगत्य का पर्यायवाची शब्द प्रति निर्वित्य है। सम उद्घाटिता का संधि विच्छेद है, सम जोड़ उत जोड़ घाटिता है। तत् दिनात धनिका का संधि विच्छेद है, तत् जोड़ दिनात जोड़ धनिका है। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एका अपरा और एक और दूसरी लुब्धा, लुब्धा मतलब लोभी वृद्धा, लोभी बुढ़िया न्यवसत्, लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्मिन् एव ग्रामे, तस्मिन् ग्रामे, तस्मिन् ग्रामे जो है ये विशेषण और विशेष से है। पहले हम देखें कि तस्मिन में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और ग्रामे में भी सप्तमी विभक्ति है। विशेष शब्द में जो विभक्ति वचन लगाई जाती है वही शब्द विशेषण में भी लगाई जाती है। तो तस्मिन ग्रामे अर्थात उस गांव में, अब यहाँ हम विग्रह देखें, तस्मिन जोड़ एव उस में ही, एका अपरा का संधि विच्छेद देखे, एका जोड़ अपरा अर्थात दूसरी वृद्धा, लुब्धा वृद्धा रहती थी। लुब्धा का अर्थ होता है लोभी और इसका विपर्यय शब्द होता है उदारा, उदार चरित्र वाले अर्थात दया करने वाले। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, और उस लोभी बुढ़िया की एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। एका पुत्री, एक पुत्री, यहाँ एका विशेषण शब्द है और पुत्री विशेष शब्द है। एक से चार तक की संख्या में सभी लिंगों में प्रयोग की जाती है। यहाँ पुत्री स्त्रीलिंग है, इस कारण से एक जो है वह एक न होके एका हुई है। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, और वह जो है लोभी बुढ़िया ईर्ष्या से तस्य स्वर्ण काकस्य उस सोने के कौवे के रहस्यम अभिज्ञातवती, उस सोने की कौवे की जो घटना उस निर्धन बालिका के साथ हुई वह लोभी बुढ़िया जान गई। सूर्या तपे तनुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्त। सूर्या तपे अर्थात सूर्य की धूप में तनुलान निक्षिप्य चावल को उसी निर्धन वृद्धा की तरह चावल को फैलाकर तया अपि, तया मतलब वह भी, तया तृतीया विभक्ति स्त्रीलिंग शब्द एकवचन है, तया अपि वह भी स्वसुता वह लोभी बुढ़िया भी, स्व मतलब अपना, सुता मतलब पुत्री, अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्त उस चावल को रक्षा करने के लिए बिठाई। अब यहाँ हम विग्रह देखें, तया जोड़ अपि संधि विच्छेद है और रक्षार्थम में रक्षा जोड़ अर्थम संधि विच्छेद है। यहाँ पर तथैव स्वर्ण पक्ष काका तंडुलान भक्ष्यन् ताम अपि तत्रैव आवारयत्। तथैव, तथैव मतलब होता है वैसे ही स्वर्ण काका सोने के कौवा ने तंडुलान भक्ष्यन् उसके चावल को खाते हुए ताम अपि उसको भी लोभी
वृद्धा के पुत्री को भी तत्रैव आवारियत, अर्थात तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही, आवारियत मतलब बुलाया अपने महल में उस लोभी के बुढ़िया को, पुत्री को भी बुलाया। यहाँ विग्रह देखे, तथैव का तथा जोड़ एव है, और तत्र एव आवारियत का विग्रह देखे, तत्र जोड़ एव जोड़ आवारियत अर्थात बुलाया। भक्ष्यन में प्रत्यय लगा हुआ है, भक्ष जोड़ क्षत्रि प्रत्यय अर्थात खाते हुए, क्षत्रि का अर्थ होता है खाते हुए। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्वत सयंती प्रावोचत, वो नीच काका प्रातस्तत्र गत्वा सा अर्थात वह, प्रातस्तत्र अर्थात सुबह वहां, गत्वा जाकर काकाम अर्थात कौवे को, निर्वत सयंती, निर्वत सयंती का अर्थ होता है भला बुरा, प्रावोचत बोली, हो नीच काका हे नीच काका, अहम आगता मैं आई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे जो है मेरे चावल के मूल्य को तुम दो। यहाँ विग्रह देखिए, प्रातः तत्र का प्रातः जोड़ तत्र, प्रातः मतलब सुबह होता है और इसका विप्रय शब्द जो होता है वो सायं होता है। प्रयच्छ, प्रयच्छ मतलब दो, और प्रयच्छ का विप्रय शब्द होता है गृहाण, प्रयच्छ मतलब दो, इसका विप्रय शब्द होगा गृहाण मतलब ग्रहण करो। काको अब्रवीत अहम त्वत् कृते सोपानम उतारयामि, काका बोला मैं, अहम त्वम कृते, त्वत् कृते अर्थात तुम्हारे लिए, सोपानम उतारयामि, सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी, उतारयामि मैं सीढ़ी को उतारता हूँ। तत् कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, अब तुम कहो, तुम सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या फिर तांबे की सीढ़ी से आओगी। अब यहाँ पे देखें, गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से चूर वह बालिका प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं वह गर्व से चूर थी और उसने काका को बोला, स्वर्णमय सोने की सोपाने अर्थात सीढ़ी से अहम मैं आगच्छामि मैं आती हूँ। परम स्वर्ण काका तत्कृते, परंतु स्वर्ण काका जो है तत्कृते उस बालिके के लिए ताम्रमयम तांबे की सीढ़ी, सोपानम एव प्रायच्छत उस बालिके के लिए, लोभी बालिके के लिए तांबे की सीढ़ी ही दिया। स्वर्ण काकास्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने हया आकारियत, स्वर्ण काका ने उस लोभी बालिका को भोजन भी तांबे के पात्र में ही हया आकारियत अर्थात कराया। यहाँ विग्रह देखिए, स्वर्ण काका जोड़ तत् कृते, स्वर्ण काका में विसर्ग हो जाएगा, तत् जोड़ कृते। प्रायच्छत, प्रायच्छत का प्रायवाची शब्द, प्रायच्छत मतलब होता है दिया और इसका प्रायवाची शब्द होता है अददात, अददात का अर्थ भी होता है दिया। और यहाँ एक और संधि विच्छेद है, स्वर्ण काका जोड़ ताम अर्थात स्वर्ण काका ताम मतलब उसको, हया आकारियत में भी संधि है, ये देखे, ही जोड़ अकारियत, ही जोड़ अकारियत हया कार्यत अर्थात उसको कराया। प्रति निर्वित काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरा तेसरो मजूसा तत्पुरा सम उच्छिप्त, प्रति निर्वित काले का अर्थ होता है कि जब वह वापस आने लगी तो वह स्वर्ण काके अर्थात स्वर्ण काका के द्वारा कक्षा अभ्यंतरा तिश्रो मजूसा, कक्षा के भीतर से तीन मजूसा अर्थात तीन पेटी को
तत्पुरा उस बालिके के समक्ष समुच्छिता रख दी। अब यहाँ देखें तत्पुरा का पर्यायवाची शब्द तस्यः समक्षम अर्थात उसके समक्ष। लोभाविष्टः सा बृहत्तमां मजुषां गृहीतवती। लोभाविष्ट अर्थात लोभ से वशीभूत होकर वह बालिका जो है बृहत्तमां मंजूषाम अर्थात बृहत मतलब बड़ा मंजूषा बक्से को गृहीतवती ग्रहण की या फिर ली। यहाँ संधि है लोभ जोड़ अविष्ट, लोभ जोड़ अविष्ट। क्रियामागत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति तावत तस्याम विष्ण कृष्ण सर्पो विलोकिता। गृहम आगत्य जब वह घर आती है, घर आकर सा वह तर्षिता मतलब व्याकुल यावत जब तक मंजूषाम अर्थात बक्से को उद्घाटयति खोलती है तावत तब तक तस्याम उस बक्से में विष्ण भयंकर कृष्ण सर्पो कृष्ण काला सर्प को विलोकिता देखी। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम और इस प्रकार उस लोभी के लोभी बालिका का फल का लोभ का परिणाम प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यजत उसके बाद वह अपने लोभ को त्याग देती है। जब उसने देखा कि बक्से में हीरे के जगह पर काला सर्प मिला तब उसे यह एहसास हो गया कि हमारे यह लोभ का ही दुष्परिणाम है और उस दिन से उसने अपने लोभ को त्याग दिया। यहाँ देखिए यावत यावत मतलब जब तक होता है और इसका विलोम शब्द तावत होता है। यह तावत तस्याम संधि विच्छेद है, तावत जोड़ तस्याम। कृष्ण सर्पो विलोकिता में संधि विच्छेद है, कृष्ण जोड़ सर्पः जोड़ विलोकिता। विलोकिता पर्यत्यजत का संधि विच्छेद है, परि जोड़ अत्यजत। विलोकिता का अर्थ हुआ देखा और इसका पर्यायवाची शब्द दृष्टा होता है। विष्ण विष्ण का पर्यायवाची शब्द भयंकर। तदंतरम का संधि विच्छेद है, तत् जोड़ अनंतरम। इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने यह सीखा कि हमें जो है अत्यधिक लोभ नहीं करनी चाहिए, जितना हमारे पास है उतने में ही हमें संतोष की भावना रखते हुए अपने जीवन व्यतीत करनी चाहिए। धन्यवाद।